गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो जो है वो पेश करने के लिए मैं जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतनी रिक्वेस्ट की थी। लास्ट ईयर मैंने आपको अपना रूम एंड वैनिटी टूर कराया था एंड आप लोगों ने मुझे कहा था कि प्लीज़ वी वॉन्ट टू सी योर हाउस एंड आप हाउस टूर भी कराएं। तो आज मैं आपको अपना हाउस टूर कराने जा रही हूँ। तो लेट्स सी कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो अगर अपार्टमेंट चाइना में जो है वो रेंट करते हैं तो वो लोग कैसे रहते हैं। तो बेसिकली मी एंड जैन वी आर पाकिस्तानी कपल एंड वी आर गोइंग टू शो यू आवर हाउस इन चाइना। वेलकम टू माय हाउस गाइस। तो सबसे पहले पहले मैं आपको अपना घर दिखाना स्टार्ट करती हूँ अपने गेट से, हमारे एंट्री डोर से। तो ये है जी हमारा एंट्री डोर जहाँ से हम लोग घर में एंटर होते हैं। ये देखिए बाहर जो है ये लिफ्ट्स हैं, ठीक है, और यहाँ से हम एंटर होते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा शू रैक रखा हुआ है ताकि जैसे ही हम लोग घर में एंटर हो यहाँ से हम लोग अपने शूज़ चेंज कर लेंगे। देखिए सारे के सारे हमारे शूज़ रखे हुए हैं मेरे जैन के। और या और उसके बाद ये वाला जो शेल्फ है यहाँ पर मेरी सारी की सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, मेरे बैग रखे हुए हैं, कुछ बुक्स मेरी यहाँ पर हैं और कुछ बुक्स मेरी यहाँ पर हैं और कुछ यहाँ पर हैं। यहाँ पर एक और ये रैक रखा हुआ है, शू रैक या वट एवर जो भी आप इसे बोलें। तो यहाँ पर मेरे कुछ हाइलाइटर्स जो मैं अपनी बुक वगैरह जिसके ऊपर लिखना होता है, कुछ सीजर्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं, कटर्स ख्वाहिदियाँ खोलने के लिए बेसिकली यहाँ पर। ये देखिए मैं जो भी ख्वाहिदियाँ होती हैं वो हम लोग यहाँ पर खोल लेते हैं। उसके बाद ख्वाहिदियाँ मतलब पार्सल्स, मैं ख्वाहिदियाँ बोलूँगी क्योंकि आदत हो गई है। और उसके बाद मेरी कुछ मेडिकल से रिलेटेड बुक्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं। जो ये वाला पोर्शन है ये है मेरी लिली एंड आर्टिका, यहाँ पर उनकी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये उनके नेल कटर्स हैं। ये मैं आपको बाद में एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊँगी इसका। हाँ आई एम सॉरी मैं बहुत नॉइजी हूँ। और अब चलते हैं मेरे रूम में। तो यहाँ पर आप जाते हो तो यहाँ फर्स्ट जो डोर आता है मेरा रूम। रूम को ओपन कर लेते हैं एंड वेलकम टू माय रूम। और ये देखें, चेक करें शहजादी को। मैंने आपको बोला था ना, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि लीली साहिबा ने मेरे बेड के ऊपर कब्जा जमाया हुआ है। मतलब पता नहीं इसे क्या हो गया, 1 मंथ से पहले यहाँ पर मेरी बुक्स पड़ी हुई थी जब मेरे एग्जाम्स हो रहे थे। जैसे ही मेरे एग्जाम्स खत्म हुए मैंने यहाँ से बुक्स उठाई और लीली साहिबा की जो है वो यहाँ पर हमारे बेड के ऊपर गेस्ट आ गए हैं और यहाँ से उठती नहीं है। मैक्सिमम ये मोटर जो है ये उठ के क्या करती है, ये यहाँ से उठती है, मोनो दिस इज माई बेड, दिस इज माई बेड, दिस इज माई बेड मोनो। ज़्यादा से ज़्यादा ये उठती है जब इनका दिल चाहता है, यहाँ पर आ जाती है। देखिए तो आई होप कि आपको मेरा रूम का व्यू जो है विंडो व्यू अच्छा लगा होगा। सुबह सुबह तो मैडम साहिबा उठकर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बैठ जाती हैं और उसके बाद जब इनका यहाँ से धूप सेक लेती हैं ये जादू की तरह धूप, फिर उसके बाद ये उठ के यहाँ पर बेड पर आ जाती हैं। और जब मैक्सिमम मोटो साहिबा क्या करती हैं अपने रूम में चली जाती है, इसका मैं आपको घर दिखाती हूँ, और उसके बाद फिर ये दोबारा बेड पर आ जाती हैं। तो अभी फिर से बेड पर लेटी हुई हैं। मानो दिस इज माई बेड, गिव मी योर हैंड, गिव मी योर हैंड, गिव मी योर हैंड, नो। उसके बाद ये तो आप लोगों ने देखी होगी जब मैंने रूम टूर कराया था। और अच्छा जी उसके बाद ये है मेरी वैनिटी, बट आपको मैं एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। लुक एट दिस गाइस, ये है डायमंड शेप। एज यू नो दैट कि मुझे कितना अच्छा लगता है, लाइक दिस शेप, आई लव दिस शेप। अच्छा जी दिस इज़ आवर ह्यूमिडिफायर, इसके अंदर मैं 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो इसेंशियल ऑयल के डाल देती हूँ। और क्योंकि चाइना जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है तो इसकी वजह से, क्योंकि स्टीम निकलती रहती है, रूम जो है वो बहुत मज़े का इन्वायरमेंट रहता है, बहुत मज़े की फ्रेग्रेंस होती है। और उसके बाद आप चाहो तो इसको सेट भी कर सकते हो, ये बंद कर दें आप और उसके बाद इसको टर्न ऑन कर दें, ये बस इतना, हम लोग इसको हर वक्त ही ऑन रखते हैं, ठीक है। अच्छा जी तो बाकी अभी मेरी वैनिटी के अंदर बहुत सारे मेकअप की ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने न्यू बाय की थी क्योंकि मैंने लास्ट ईयर आपको विजिट कराया था। लेकिन अगर आपको देखना है तो लिंक ऊपर आ जाएगा, यू गाइस कैन सी माय रूम एंड वैनिटी टूर, जो कि इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो। अब बाहर चलते हैं, ये हमारी कबर्ड है जिसके अंदर मेरे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, दिस वन, और यहाँ पर जो है वो हमारे कोट्स रखे हुए हैं, जब हमने बाहर जाना होता है तो हम लोग पहनते हैं और चले जाते हैं। अच्छा जी और साथ ही जो है ये हमारा वॉशरूम है, ये देखें, ये मैंने लाइट जो है वो पहले ही ऑन कर ली है। मैं आपको एक छोटा सा टूर दे देती हूँ। अच्छा तो वॉशरूम के बाद साथ ही जो है ये वाला रूम है, ये है मेरे भाई का, लेट्स सी, हेलो, वी आर मेकिंग वीडियो। अच्छा जी तो ये है इसका रूम, थैंक गॉड इसने साफ किया हुआ है, शुक्रिया, मेरी नाक रख ली आपने, नहीं इज्जत रख, क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं, तो वो इसने मेरी रख ली इज्जत। और ये देखिए ये इसका रूम है, इसने थैंक गॉड के साफ किया हुआ है, इसकी कबर्ड है। गेट आउट, चेक करें कितना बदतमीज भाई है। मामा से इंसल्ट कराने के बाद मैं आपको अपना जो है वो किचन दिखाती हूँ। दिस इज आवर किचन, इट हैज नो डोर्स, इट्स वेरी वेरी मॉडर्न टाइप ऑफ किचन।
यहाँ पर यू गाइस कैन सी, यहाँ पर हम लोग कुकिंग करते हैं और ये हमारा टेबल है, यहीं पर साथ में बैठ के हम खा लेते हैं. और उसके बाद साथ ही यहाँ पर फ्रिज रखा हुआ है और क्या और क्या, ये हमारे जो है वो ओवन पड़े हुए हैं, यहाँ पर हम लोगों को कुछ बेक करना होता है वो कर लेते हैं. और ये है जी गर्म पानी, जहाँ से मैं हर टाइम में गर्म पानी पीती हूँ. जब से मैं चाइना आई हूँ मैं सिर्फ गर्म पानी पीती हूँ गाइस, ट्रस्ट मी. बहुत कम ऐसा होता है कि मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ, अदरवाइज आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं हमेशा गर्म पानी पीऊँ. नॉट लाइक टू मच हॉट, बट लाइक अच्छे वाला हॉट, नॉट लाइक टी वाला हॉट. लेकिन किस तरह मैं आपको बताऊँ, सपोज ये कप है ना, तो इसको हाफ इतना फुल गर्म पानी और इतना जो है वो नॉर्मल पानी, इस तरह से, ठीक है. उसके बाद बस ये हमारा किचन है, यहाँ पर कुछ कॉन्डिमेंट्स पड़े हुए हैं, यू गाइस कैन सी. और यहाँ पर जब हम इसको टर्न ऑन कर देते हैं, तो इसको जब हम टर्न ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है. अगर आप लोग सोच रहे हो कि ओपन किचन है और यहाँ पर स्मेल होगी, तो बिल्कुल स्मेल नहीं होती है, कोई धुआं वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है. किचन आप लोगों ने देख लिया और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी लीली का घर, छोटू सा जल्दी जल्दी करके. तो ये है जी लीली का घर, यहाँ पर लीली होती है समटाइम्स, बहुत समटाइम्स. जब मैं उसके घर के पास आके ऐसे खड़ी हो जाऊँ ना, तो वो सोचती है कि हाँ इसने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है. और उसके बाद मैडम साहब आ जाती है अपने घर में. अदरवाइज जब मैं इसके घर के पास नहीं खड़ी होती, तो हमारे बेड के ऊपर जिस तरह से अभी क्वीन साहिबा जो है वो कब्जा जमा कर लेती हुई है, वैसे लेटी रहती है. खैर उसके बाद मैं आपको लिली का तो टोटल व्लॉग दिखाऊंगी कि मैं इसको कैसे शॉवर देती हूँ, उसकी फूड क्या है, सारे का सारा मैं आपको उसका और आरटी का एक सेपरेट व्लॉग में दिखाऊंगी. लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपना लिविंग रूम दिखाती हूँ. तो वेलकम टू माई लिविंग रूम गाइस. ये एक्स्ट्रा था वैसे. अच्छा तो ये है, यहाँ पर हम लोग बैठते हैं और ये सामने आप देखिए इतना बड़ा सा टीवी लगा हुआ है. और यहाँ पर बैठ के मैं और जैन और उसामा समटाइम्स हम लोग इंजॉय करते हैं. हम लोग यहाँ पर जो है वो टीवी देखते हैं, कोई मूवीज वगैरह देखनी हो वो देख लेते हैं. और ये एक बात मैं सब गर्ल्स को कहूंगी यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरी लाइफ की. जैन की बर्थडे थी लास्ट ईयर और मैंने उनको गिफ्ट कर दिया PS4, ये देखिए हियर. और उसके बाद या सारे का सारा दिन बैठकर उसामा और जैन यहाँ पर बैठे होते हैं हम लोग नीचे. इनको दुनिया की ना होश होती है ना आखिरत की होश होती है, ये लोग बैठे होते हैं और मैं बुलाती रहती हूँ उसामा जैन जैन, ये लोग नीचे बैठ के मजे से गेम खेल रहे होते हैं. मैं कहती हूँ जैन हनी प्लीज हनी लिसन टू मी, जैन जैन जैन, नो नो आंसर. अच्छा जी तो ये है हमारा बाहर का विंडो व्यू एंड आई लव 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 दिस व्यू, दिस इज सो सूदिंग एंड काम. अपना फेवरेट पोर्शन दिखाती हूँ. अभी मैंने आपको बाहर का तो व्यू दिखाया कि कितना मजे का है. और उसके बाद साथ में हम लोगों ने ये सेट किया है और यहाँ पर अभी लाइट्स जो है वो लगानी है, जो फेयरी लाइट्स होती हैं. और ये देखिए अंदर जो है वो अभी इसका जो राउंड वाला मैट्रेस होता है अभी वो भी बाय करना है हमने. अभी सिर्फ इसके ऊपर ये शीट बिछाई हुई है, तो यहाँ पर बैठ कर आप लोग अपनी बुक पढ़ सकते हो, यहाँ पर बैठ कर हम कॉफी पी सकते हैं, चाय और अपनी मजे की बातें कर सकते हैं. तो आई थिंक दिस प्लेस इज माई फेवरेट प्लेस. प्लस यहाँ पर मैं आपको अपने इंस्टाग्राम की पिक्चर बनाकर आई पोस्ट सून. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो तो फॉलो कर लो यार, मतलब प्लीज. अच्छा उसके बाद दूसरे वाली साइड पर यहाँ पर ये देखें, ये है जी मेरी कैटों की मशीन, जिसके अंदर लाइक कैट हेयर ड्रायर, कैट्स ड्रायर बेसिकली. तो यहाँ पर उनको मैं सुखाती हूँ. और यहाँ पर ये एक और हमारी कबर्ड है और यहाँ पर जो है वो कुछ पुराने कपड़े रखे हुए हैं. दूसरा ये कि अब एक ये वाला रूम है जो कि यहाँ पर आरटी है, क्योंकि आरटी की तबीयत खराब है, दैट्स व्हाई मैंने उसको लिली से सेपरेट किया हुआ है. इट्स आल्सो माय स्टूडियो रूम. अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको अभी बहुत सारे डेकोरेशन की चीजें इसमें रहती हैं. और दूसरा आरटी को भी मैंने यहीं पर रखा हुआ है, मतलब दिन में बहुत सारी दफा हम जाते हैं उसके साथ खेलते हैं और उसके बाद हम अच्छे से हैंड वॉश करके और उसके बाद फिर हम लिली के पास आते हैं. क्योंकि आई एम सो स्केयर्ड कि ऐसा नहीं हो कि लिली को कुछ भी उसको जो है वो आरटी की कोई भी डिजीज उसको ट्रांसफर हो. तो डॉक्टर ने बोला है कि व्हेन ही विल बी फाइन आफ्टर 20 डेज और समथिंग, देन लाइक दे कैन लिव टुगेदर. तो अब मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ. तो ये हम आ जाते हैं अंदर और अभी आप आरटी की आवाज सुनेंगे, बट आई एम नॉट गोइंग टू शो यू गाइस. तो यहाँ पर जो है वो मेरा ड्रॉप ऑफ लगा हुआ है, इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ लाइक व्हाइट ब्लैक को मैं चेंज कर सकती हूँ. उसके पीछे जो है वो मैं सेट कर रही हूँ यहाँ पर, यानी कैन यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट. ओके तो इसको मैं अभी हम लोग डेकोरेट कर रहे हैं. अभी ये पूरी वॉल कंप्लीट नहीं हुई है, इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एक सेपरेट टूर कराऊंगी इस रूम का. और ये मेरी रिंग लाइट पड़ी हुई है और यहाँ पर जो है ये गॉडेक्स की जो बड़ी वाली लाइट्स होती हैं, ये है, ये हमारी प्रेसर है जी, हम लोगों ने अपडेट किया है इसकी तरफ, पहले वो छोटे वाली थी. और बस मैं आपको ये रूम जो है टोटल ये बाद में दिखाऊंगी. अच्छा जी तो आ जाते हैं यहाँ पर मेरे फेवरेट पार्ट पर, यहाँ पर मैं बैठ जाती हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ.
तो अब हमारे जो घर में है वो है 3 bedrooms, ठीक है, एक लिविंग रूम, एक किचन एंड 1 bathroom. तो इन इस टाइप के जो हाउसेज होते हैं ना, इनका जो रेंट होता है, मैं आपको रेंट की बात कर लेती हूँ. इनका जो रेंट होता है वो होता है ऑलमोस्ट 7,000 to 12,000, और इससे भी ज़्यादा. डिपेंड करता है कितना आपका जो है वो घर डेकोरेटेड है. जिस तरह से यहाँ पर आप देखें कि इन्होंने वेल डेकोरेट किया हुआ है, और जिस घर में हम लोग रह रहे हैं, इसके जो ऑनर हैं, लाइक हमारे लैंडलॉर्ड, ही वॉज अ डॉक्टर, उनकी जो वाइफ है वो भी डॉक्टर है, और वो लोग पहले यहाँ पर होते थे, और उसके बाद यहाँ से उन लोगों का किसी और सिटी में ट्रांसफर हो गया, तो वो वहाँ चले गए. बेसिकली उन लोगों ने जो ये घर है ये अपने लिए बनवाया था, अपने लिविंग के लिए. दैट्स वाई दिस हाउस इज वेरी क्लीन एंड नीट. अच्छा, तो अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो मैं उसमें मैं ये आपको बताऊंगी कि अगर आप लोग चाइना में होते हो, अगर आप अपार्टमेंट, इफ़ यू वॉन्ट टू रेंट, हाउ यू कैन रेंट एन अपार्टमेंट हियर, और आप कहाँ से, कौन सी कंपनी से आप बहुत इजीली रेंट कर सकते हो, विच कंपनीज आर चीपर, और किसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, या फिर अगर आप खुद ढूंढना चाहो, आप किसी कंपनी के ऊपर, किसी भी कंपनी के ऊपर आप रिलाई नहीं करना चाहो, तो आप कैसे कर सकते हो उसके, अगर आप चाहते हो तो मैं आई विल मेक अ सेपरेट ब्लॉग. और अभी मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, भूख बहुत लगी है जी. तो आई होप कि आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा, मेरा हाउस टूर. आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरे हाउस में सबसे हमारे घर में सबसे आपको फेवरेट चीज़ कौन सी लगी है. और मेरा तो ये वाला पोर्शन जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, ये मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि इसका जो बाहर का व्यू है वो बहुत प्यारा है. सारे पैसे व्यू के हैं भैया जान. अच्छा जी, तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें. इतनी मुश्किल से लिखा है ना मैंने इस पिलो के ऊपर, सच में यार, मतलब कोई 5 मिनट्स लगे होंगे मुझे इसको लिखने में. तो आप प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने लाइक कर ही लिया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और यू कैन शेयर इट विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स एज वेल, जिनको आपको लगता है कि आपको शो करना चाहिए कि चाइना में लाइफ कैसी होती है. और या प्लस इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि आप लोग किस तरह से रहते हो. प्लस अपने घर की बहुत ज़्यादा सफाई रखें, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है. जितना आपका घर साफ होगा, आप उतना ही आपका दिल लगा रहेगा घर में, और आपको अच्छा फील होगा, आप बहुत बेटर फील करेंगे. ओके गाइस, मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर, बाय, गुड लक, एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव.